दोस्तों, आज के समय में हम लोग भले ही कितना भी एडवांस हो गए हों और आने जाने के लिए प्लेन, ट्रेन या फिर बड़े बड़े व्हीकल्स का यूज करते हों, लेकिन जब भी ट्रेड करने की बारी आती है तो फिर ये सारी चीजें बिल्कुल काम नहीं आती हैं। और फिर हम लोग सहारा लेते हैं बड़े बड़े शिप का, जो अक्सर एक बार में ही कई टन गुड्स को बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देते हैं। लेकिन इन बड़े बड़े पानी के जहाजों का सफर भी आसान नहीं होता है, क्योंकि इन्हें कई बड़ी और छोटी कैनाल से जो करना पड़ता है। लेकिन यही कैनाल आज हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं, जिन्हें अगर बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। और तो और, ये कैनाल आज से नहीं बल्कि कई सौ साल पुरानी है, जो पूरी दुनिया में मौजूद हर देश का पैसा और टाइम बचा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दुनिया की कुछ सबसे इम्पोर्टेंट कैनाल्स के बारे में जानने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहली कैनाल है पनामा कैनाल, जो कि पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है, जिसे 1914 में ओपन किया गया। अगर इस कैनाल को लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो ये सिर्फ 80 किलोमीटर ही लंबी है, लेकिन अगर ये कैनाल ना बनाई गई होती तो यही सफर लगभग 20,000 किलोमीटर का होता, जहां इन जहाजों को लंबा चक्कर लगाते हुए पूरे साउथ अमेरिका को पार करना पड़ता, जिसमें जहाजों को करीब 2 हफ्तों का समय लगता, जो कि अब सिर्फ 10 घंटों में ही पूरा हो जाता है। लेकिन जब इस कैनाल को बनाना शुरू किया गया तो इसमें लगभग 10 सालों तक लगातार ड्रिलिंग चलती रही, क्योंकि यह एक चट्टानी एरिया था और टेक्नोलॉजी भी उस टाइम पर इतनी एडवांस नहीं थी। और साथ ही रहने के लिए जगह और साफ सफाई के चलते इसमें काम कर रहे लेबर बीमार पड़ने लगे, और लंबे समय तक काम चलने की वजह से मशीनें भी खराब होना शुरू हो चुकी थी, जिसे फ्रांस ने बीच में ही से बनाने का काम भी बंद कर दिया। और इन 9 सालों में यहां काम कर रहे 20,000 लेबर की मौत हो चुकी थी। फिर साल 1994 में अमेरिका ने इस नहर को बनाने का काम शुरू किया, और दिए गए टाइम से 2 साल पहले ही यानी 1914 में ही इस नहर को बनाकर कंप्लीट कर लिया। और आज यहाँ से लगभग छोटे बड़े 15,000 पानी के जहाज गुजरते हैं, जिससे इन ट्रेड करने वाली कंपनियों को अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। लेकिन फिर भी इन कंपनियों को कैनाल अथॉरिटी को भारी भरकम टैक्स चुकाना पड़ रहा था, और ये टैक्स सभी के लिए एक जैसा नहीं था बल्कि हर शिप के लिए अलग अलग था। लेकिन ये टैक्स इतना ज्यादा क्यों था? ये टैक्स इतना ज्यादा इसलिए था क्योंकि इस कैनाल में हर साल कई बिलियन डॉलर तो इसकी मेंटेनेंस में ही चला जाता है। लेकिन फिर भी पनामा कैनाल हर साल लगभग 51,000 करोड़ रुपए जमा कर देती है। इसी के साथ दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट कैनाल है स्वेज कैनाल, जो कि इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को आपस में कनेक्ट करती है। ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि जब साल 2021 में एवर गिवन शिप इस कैनाल में फंस गया था तो इससे हर घंटे अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा था, और ये लगभग 150 घंटों तक इस कैनाल में फंसा रहा, जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी को लगभग 60 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। लेकिन इस नुकसान से ही दुनिया को स्वेज कैनाल की इम्पोर्टेंस पता लग गई, क्योंकि अगर थोड़ा पीछे जाएं, जब ये कैनाल बनी ही नहीं थी तब इन शिप को यूरोप से एशिया जाने के लिए पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पार करना पड़ता, जो कि 21,000 किलोमीटर का था, जिसमें इन शिप को कई परेशानियों से गुजरना पड़ता और इन्हें अपने डेस्टिनेशन को पाने में कई हफ्तों का समय लग जाता। लेकिन फिर 1954 में इसे बनाने का काम शुरू किया गया, और फिर 10 सालों के बाद यानी 1964 में इसे बना लिया गया, और फिर ऑफिशियल तौर पर 18 नवंबर 1869 को पहली बार इस नहर से निकलने के लिए किसी शिप को हरी झंडी दिखाई गई, और इसी के साथ ये सफर भी कम होकर सिर्फ 14,000 किलोमीटर ही रह गया। इसीलिए ये कैनाल एशिया और यूरोप दोनों के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे ये शिप और भी बड़े और चौड़े होते गए, जिसके चलते इस कैनाल का साइज भी एक्सपेंड करना पड़ा, और आज भी इस कैनाल पर कई मेगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जैसे इसे वन वे करने की कोशिश की जा रही है, जिससे ये शिप बिना रुके एक तरफ से आते रहेंगे और दूसरी तरफ से जाते रहेंगे। और अगर ये मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ की अर्निंग इससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तब ट्रैफिक भी इसका डबल होगा। लेकिन फिलहाल अभी इस कैनाल से 5.3 बिलियन डॉलर्स की अर्निंग होती है, और इस नहर पर अब पूरा कंट्रोल इजिप्ट की गवर्नमेंट रखती है, क्योंकि इससे पहले इस कैनाल पर फ्रांस और ब्रिटेन का कंट्रोल था, जिसके लिए एक पूरा का पूरा वार भी हुआ था। इसी के साथ दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट मैन मेड कैनाल कौन सी है? वो है ग्रैंड कैनाल ऑफ चाइना, जिसे 486 बीसी में बनाना शुरू किया गया, क्योंकि उस टाइम चाइना पर सुई डायनेस्टी रूल कर रही थी, जो काफी बड़ा एम्पायर था, जिसे यहाँ के राजा को अपनी जनता के पास खाना और जरूरत की चीजों को भेजने के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता, और इनके सैनिक
भी कई दिनों का सफर तय करके इन तक पहुंच पाते, जिससे इन्हें एक नहर का आइडिया आया और इस पर काम शुरू करवा दिया गया। खास बात तो यह है कि इसे एक साथ बनाकर तैयार नहीं किया गया, बल्कि यहाँ जब भी कोई नया रूलर रूल करता तो वह अपनी जरूरत के हिसाब से इसे अपनी ओर मुड़वा देता, जिसको कम्प्लीट बनने में लगभग 2000 सालों का वक्त लग गया और 90 लाख लोगों ने इसमें काम किया। आज ये चाइना की दो बड़ी नहर यांगसे और येलो रिवर को आपस में कनेक्ट करती है। ये कैनाल इतनी बड़ी है कि इस पर 60 ब्रिजेस बने हुए हैं और आज भी इसके अलग अलग कई जगह रिनोवेशन का काम चलता ही रहता है, क्योंकि इस कैनाल से हर साल 1 लाख से ज्यादा शिप निकलती हैं, जिससे चाइना को काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन पहले से ये नहर इतनी चौड़ी नहीं थी और कई बार तो इसकी वजह से आसपास के लोगों को बाढ़ का भी सामना करना पड़ा। फिर समय के साथ इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसे और भी चौड़ा करना पड़ा, जिससे आज के टाइम के बड़े बड़े शिप ज्यादा से ज्यादा गुड्स एक बार में ही लेकर जा सकें। ये तो हो गई दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट और मैन मेड कैनाल। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे गहरी कैनाल कौन सी है? ये है कोरियंत कैनाल, जो कि गल्फ ऑफ कोरियंत और सैरोनिक गल्फ को आपस में कनेक्ट करती है। इसे भी स्वेज और पैनामा की तरह ही कई सालों तक इंसानों ने खोद कर बनाया और आज ये दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट कैनाल्स में से एक है, जो कि इसे बनाने का काम 1890 में शुरू हुआ और 1893 में ही इस कैनाल को बनाकर कंप्लीट कर लिया गया। हालांकि जब इसे बनाया गया तब इसमें से सिर्फ छोटी शिप और बोट्स ही निकलते थे और ये इतनी गहरी है कि अगर आप इसके ऊपरी दीवार पर खड़े होंगे तो आपकी कैनाल से दूरी 300 फीट होगी और दोनों दीवारों के बीच की चौड़ाई 24 मीटर है। ये नहर ज्यादा लंबी तो नहीं है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत और फेमस है कि यहाँ अक्सर लोग घूमने आते हैं। वहीं इस नहर के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है, जब यहाँ से गुजर रहे हजारों लोगों की सांसें थम गई थी, क्योंकि इस नहर की चौड़ाई है 78.7 फीट और यहाँ से खुद 72 फीट चौड़ा क्रूज निकलता है। यह क्रूज इस नहर से गुजरने वाला अब तक का सबसे बड़ा क्रूज है। इस क्रूज की लंबाई 196 मीटर और वजन 24,000 टन था। वहीं इस क्रूज पर 1200 लोग सवार थे और अच्छी बात तो ये हुई कि ये क्रूज सेफली यहाँ से निकल जाता है। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट कैनाल है वो है एरी कैनाल, जिसे 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बनाया गया। ये कैनाल बिजनेस और ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसे बनाने का काम 1817 में शुरू किया गया और 1825 में इसे फाइनली बनाकर तैयार कर लिया गया। इससे पहले यहाँ कोई कैनाल नहीं थी, जबकि न्यूयॉर्क उस टाइम पर एक बड़ा बिजनेस स्टेट हुआ करता। यहाँ के लोगों ने व्यापार को और तेजी से करने के लिए और टाइम को बचाने के लिए इस कैनाल को बनाना शुरू किया, क्योंकि कैनाल को बनाने से पहले बफेलो से न्यूयॉर्क तक गुड्स को लाने में $100 तक खर्च हो जाते और कैनाल बनने के बाद यही खर्च सिर्फ $10 हो जाता है। फिर अगले 30 सालों तक अमेरिका में हजारों नहरें बनाई गई। हालांकि अब ट्रेन के आ जाने से इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी इस कैनाल के साइड में होटल, लाइब्रेरी और कई पार्क हैं, जिसकी वजह से ये अब टूरिस्ट के लिए एक शानदार जगह बन चुकी है। इसके अलावा एक और शानदार नहर है वोल्गा डॉन कैनाल, जो कि वोल्गा और डॉन को आपस में कनेक्ट करती है और ये है रसिया में, जो कि कैस्पियन सी को सी ऑफ एजोव के जरिए ब्लैक सी से कनेक्ट करती है। इसे 16वीं शताब्दी में कई बार बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोग सफल नहीं रहे और फिर 1948 में सोवियत यूनियन ने इस कैनाल को आपस में जोड़कर कंप्लीट कर दिया। 100 किलोमीटर लंबी इस कैनाल की चौड़ाई 260 फीट और गहराई 26 फीट है। इस नहर में लॉक वाले चैम्बर बनाए गए हैं, जिससे पानी का लेवल कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि दोनों सी की हाइट में डिफरेंस है। ये सोवियत यूनियन के टाइम पर इतनी इम्पोर्टेंट थी कि सोवियत यूनियन ने इससे काफी सारी पावर हासिल की थी, क्योंकि इसके बनने से सोवियत यूनियन इजिली दुनिया से कनेक्ट कर पा रहा था और आज भी ये रसिया के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट कुछ कैनाल्स, जो अगर गलती से भी ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।